भारतीय संविधान में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत सारा कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज उत्पीड़न, संधि विच्छेद, दहेज कृत्याएँ लगातार बढ़ रही हैं और महिलाएं अपने परिवार के प्रतिष्ठा को लेकर चुपचाप सहन कर रही हैं। जैसे कि कुसर गांव की, कुसर पंचायत की, शिवहर ब्लॉक की, शिवहर जिला की, तरियानी थाना की रहने वाली एक पिंकी देवी हैं, जिसका शादी 2 साल पहले फतेहपुर गांव के जितेंद्र कुमार के साथ हुआ है। इसकी मां उर्मिला देवी विधवा होते हुए भी अपने हैसियत के मुताबिक सभी सामग्री और पैसे भी दिए हैं, लेकिन इसके ससुराल वाले लोगों को लगातार मांगे बढ़ती जा रही हैं और इसे ससुराल में बराबर प्रताड़ित किया जाता है, जिस कारण एक गर्भवती होते हुए भी मायके में रहने को मजबूर है। बहुत दिक्कत है, बात बात पर 5 दिन पर 6 दिन पर सास झगड़ा करती है, ताना मारती है, से अति तिलक के बारे में ताना मारती है, ऐसा ऐसा आदमी के अति तिलक इतना इतना मिले ही उम्र साल की मिले ही आई अति ताना सुनावल ताना मार मार के। और क्या कहते हैं? दूसरा तर 1.5-2 लाख रुपया देते रहे, आई कैसन से ब्याह करा दे, पति कहता है। तो आप लोग फोन से बात किए कभी? जी कोयली तो गाड़ी दे लखो दिनमा से ना कोई। कौन गाड़ी दिए? समधी ही गाड़ी दे लखो यही बेटी के साथ। यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? 3-4 महीने से रह रहे हैं। क्या चीज के लड़ाई हुआ जब आए तब? फुआ का नगर थे नेवता में अभी खाई के दिया था फुआ के बेटा के, वहाँ से आए तो अथी तबीयत माने खराब था, कमजोरी था, बच्चा था डिलीवरी रह गया था तो कमजोरी था, तो खाना उना बनाने का मन ना करता था, तो सास कथी कर रही थी से पढ़ा के कर फुआ खिया दिलक से एना कह ले बाइलक, अब ते हम कहे से अथी देखा दिल डॉक्टरी में तो ना देखवाई कर से रोडो के खाना बनाबी बा, रोडो के सबके खियाई बा, से देह में ना लगे हम नहीं सके आ डॉक्टरी में कहे दिखाने के लिए तो ना दिखाई। महिला होने के नाते मैं इन शोषित महिलाओं का दुख और दर्द समझ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस भारतीय समाज से दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त किया जाए। इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि इस लड़ाई में आप लोग भी हमारे सहयोगी बने और दरियानी थाना प्रभारी गोरखराम जी का मोबाइल नंबर 94-31-82-28-52 पर कॉल कर दबाव बनाए और पिंकी देवी को न्याय दिलाने में हमारा मदद करें। मैं रीता, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।